बुलंदशहर के सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बुलंदशहर SSP को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बुलंदशहर में गोकसी की घटना चरम पर है और पुलिस भी उन पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं शिवसेना का आरोप है कि बुलंदशहर की देहात पुलिस ने बीती 26 जनवरी को गोकसी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। शिवसेना का दावा है कि इस मुकदमे में एक आरोपी सपा जिलाध्यक्ष हामिद अली के भाई का साला है, जिसे हामिद अली का संरक्षण मिल रहा है। जनपद में जो गोकसी हो रही है वो चरम सीमा पर है और जगह जगह गोकसी हो रही है, पुलिस रोकने में नाकाम रही है। अभी 26 जून का मामला है, गांव मलिया में गोकसी हुई थी, जिसमें मुलजिम जहां के सपा के जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान के हामिद अली, उनके भाई का साला साजिद है उसमें शामिल, और शामिल होने के बावजूद अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और वहां पर गोकसी आज भी हो रही है। आज हमने SSP साहब को एक ज्ञापन दिया, उसमें हमने मांग करी है कि जो यहाँ से जो सपा के जिलाध्यक्ष हैं हामिद अली जी, उनके भाई का जो साला है वो गोकसी आज भी कर रहा है और संदिग्ध में आज इनका हामिद अली जी का भी इसमें हाथ है, ये खुद स्वयं ही वहाँ पर गोकसी करवा रहे हैं। वहीं सपा जिलाध्यक्ष हामिद अली का कहना है कि उनका ऐसे किसी भी आदमी से कोई रिश्ता नहीं है जो गोकसी जैसे किसी मामले को अंजाम देता हो। भाई ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मेरे परिवार को पूरा बुलंदशहर अच्छे से जानता है और मेरे बारे में भी जानता है। ये टोटल षड्यंत्र राजनीतिक से प्रेरित है और मैं खुद उच्च अधिकारियों से मांग करूंगा कि इसकी अच्छे से जांच करें। जो इसके अंदर दोषी हैं उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि एक बुलंदशहर में नज़ीर बने कि खराब काम करने से क्या चीज़ें होती हैं। वहीं बुलंदशहर पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक गोकसी के इस प्रकरण में एक युवक को जेल भेजा जा चुका है और पूरे मामले की जांच चल रही है। थाना कोतवाली देहात के मलिया क्षेत्र में एक गोकसी का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें 6 लोग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है, जिसमें से एक लोग को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है, बाकी विवेचना प्रचलित है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।